हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉक्स एंड कॉक्स बाय जॉन मेडिसन मॉर्टन। ये 18th लेसन है, यानी कि लास्ट लेसन है जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का। इससे पहले हमने 17 लेसन का टेक्स्ट और उसके क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर लिए हैं इसी चैनल पर लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक पे। तो इस पर आप चैनल पर जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं और लिटरेचर पार्ट जो है 12th क्लास इंग्लिश का पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप ग्रामर पार्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8492802489 पे। तो अगर आप व्हाट्सएप करेंगे जब भी हम कोर्स जो स्टार्ट करेंगे ग्रामर का कोर्स, तो आपको उस व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म किया जाएगा। वैसे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने वीडियो फॉर्म में इन्फॉर्म कर देना है, मगर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको जो है आपका नंबर सेव किया जाएगा और जब भी कोर्स स्टार्ट होगा ग्रामर कोर्स, कंप्लीट ग्रामर कोर्स, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा व्हाट्सएप पे। क्योंकि ये लास्ट लेसन है, 18th लेसन है, इससे पहले सारे लेसन हमने पढ़ लिए हैं। अब बारी आई है, टाइम आया है ग्रामर पढ़े हम, तो ग्रामर पार्ट स्टार्ट करेंगे। जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा व्हाट्सएप पे। ज़रूर आप व्हाट्सएप कीजिए 8492802489 पे। उस ग्रामर कोर्स में पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा, चाहे वो राइटिंग पार्ट हो, चाहे वो ग्रामर पार्ट हो, पूरा पार्ट जितना भी मतलब 12th क्लास में आता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, पूरा बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपको फ्यूचर में कभी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया। जिस तरह मैंने लिटरेचर पार्ट जो है 12th क्लास चैनल पे, इसी तरह मैं वो ग्रामर पार्ट भी पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे, और ये गारंटी रहेगी कि आपको पूरी समझ आएगी बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। जिस तरह इजी से मैंने ए पेपर पढ़ाया, लिटरेचर पार्ट पढ़ाया, इसी तरह से ग्रामर पार्ट भी पढ़ाऊँगा और कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। वो प्राइवेट कोर्स होगा और उसको जो जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आपका नंबर सेव किया जाएगा। जब भी हम ग्रुप स्टार्ट करेंगे, जब भी हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको ज्वाइन करना होगा। और वो वीडियोस जो होंगी वो प्राइवेट होंगी, जिसको मैं लिंक सेंड करूँगा वही देख पाएगा, यूट्यूब पर वो वीडियोज़ नहीं दिखेंगी ग्रामर पार्ट की। तो सो आप व्हाट्सएप कर दीजिए 8492802489 पे और आप जो है इन्फॉर्मेशन पाइए जब भी हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टेक्स्ट को, बॉक्स एंड कॉक्स बाय जॉन मेडिसन मॉर्टन। इससे पहले हमने लेसन्स पढ़े, स्टोरीज पढ़े और एसेज पढ़े और पोएम्स पढ़े। इस ये क्या है, ये एक प्ले है। प्ले क्या होता है, प्ले होता है एक ड्रामा टाइप है। तो इसमें जो है क्या होता है कि परफॉर्मेंस होता है, प्ले परफॉर्म किया जाता है, स्टोरी बोली जाती है, लिखी जाती है, मगर प्ले जो है परफॉर्म किया जाता है, थिएटर्स में परफॉर्म किया जाता है। जैसे आजकल हम मूवीज़ देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तो इनको परफॉर्म किया जाता है। तो इसी तरह जो है प्ले जो है परफॉर्म किए जाते हैं। पहले ज़माने में भी प्ले को परफॉर्म किया जाता था। जैसे हमारा ग्रेट ड्रामेटिस्ट है, फेमस प्ले राइट विलियम शेक्सपियर, जिसने 38 प्लेज लिखे, 154 सोनेट्स लिखे, उसके प्लेज जो है बहुत ही अच्छे हैं, तो बहुत ही फेमस हैं। बाकी भी बहुत सारे प्ले राइट्स हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ इस वन एक्ट प्ले की। ये वन एक्ट प्ले है और इसमें जो है क्या हो रहा है, कैसे परफॉर्मेंस हो रही है, आपको टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, बहुत ही मज़ा आएगा इस टेक्स्ट को पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये पहला पार्ट है और इसके बाद जो है कुछ पार्ट्स और आएंगे। ये सारे पार्ट्स आप देखना इस लेसन के, तो इसके साथ ही ये लिटरेचर पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम प्री रीडिंग पढ़ेंगे। इफ़ यू हैड अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर हाउस टू लेट आउट, हाउ वुड यू मेक द मोस्ट मनी आउट ऑफ इट, डिस्कस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विद योर पार्टनर्स इन ग्रुप्स। रीड दिस प्ले एंड फाइंड आउट हाउ मिसिज बाउंसर, हु हैज अ रूम टू लेट आउट, attempts to make the most money out of it and how she gets caught in her own game। यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे प्री रीडिंग में जो है क्या बोला जाता है, इसमें बोलते हैं, इस लाइन में कहा जाता है कि अगर आपका आपको बड़ा हाउस है और आप उसे पैसा कमाना चाहते हैं, उस घर को किराए पे देने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप अलग अलग तरीके से जो है पैसा कमा सकते हैं, आप अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए। और इस बोलता है इस प्ले को पढ़िए, जहाँ इस प्ले में क्या हुआ, मिसेस बाउंसर ए क्या है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और वो क्या करती है, वो जो है
अलग अलग तरीके से पैसा कमाती है, बड़ी ट्रिक, खतरनाक ट्रिक से पैसा कमाती है, मगर लास्ट पे अब उसी ट्रिक की वजह से वो पकड़ी जाती है और बाद में जो है उसको शेम फील करना पड़ता है, शेम फील करती है। तो डिस्कस करते हैं हम करेक्टर्स, इसमें कौन से करेक्टर्स, करेक्टर्स होते हैं किरदार, मीन्स कोई भी प्ले हो उसमें करेक्टर्स ज़रूर होते हैं, किरदार ज़रूर होते हैं जो परफॉर्म करते हैं उसको, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। पहला करेक्टर है जॉन बॉक्स, ए प्रिंटर। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आ सकता है एग्जाम में कि जॉन बॉक्स कौन था, जेम्स कॉक्स कौन था। तो आप सीबीएसई पैटर्न है तो आपको बहुत विजिलेंट रहना है, अगर आपने अच्छी तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर आपने अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। जॉन बॉक्स ए प्रिंटर क्या है, एक प्रिंटर है, प्रिंटिंग करता है। प्रिंटिंग कौन करता है, प्रिंटिंग कब की जाती है, रात को प्रिंटिंग करते हैं ना, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कब बनाते हैं, रात को प्रिंटिंग करते हैं ना। तो याद रखना है जॉन बॉक्स जो है रात को काम कर रहा है और प्रिंटर है, नाइट ड्यूटी है इसको, याद रखना। ये भूल जाता है, मेरे को भी जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी भूल जाता था, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता था कि रात को कौन काम कर रहा था, दिन को कौन काम कर रहा था, और प्रिंटर कौन था, हैटर कौन था। जॉन बॉक्स, बॉक्स मतलब बॉक्स, जॉन बॉक्स क्या था, एक प्रिंटर था, वो रात को काम करता था। जेम्स कॉक्स क्या था, हैटर था, जो हैट्स बनाता है, हैट्स मतलब टोपी, टोपी कौन सी टोपी, जो हैट टाइप की होती है, हैट आपने देखी जो एम्पायर को लगी होती है, जैसे क्रिकेट जो एम्पायर होता है उसको हैट लगी होती है, वो टोपी जो बनाता है वो था कौन, जेम्स कॉक्स। ये दिन को काम करता था, मतलब डे ड्यूटी थी इसको। और मिसेस बाउंसर लॉजिंग हाउस कीपर, और मिसेस बाउंसर जो थी वो हाउस कीपर थी, जिसका घर था, जिसके घर में वो दोनों रहते थे किराएदार की तरह, ठीक है, लॉजर्स हैं थे वो दोनों। अब हम स्टार्ट करते हैं, सीन कहाँ से स्टार्ट होता है, ए रूम डिसेंटली फर्निश्ड, एक कमरा है वहां से सीन स्टार्ट होता है, वो फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड मतलब डेकोरेटेड है, टाइल शाइल अच्छी तरह लगी है, डेकोरेटेड रूम है, ठीक है। इन द सेंटर एन ओल्ड फैशन बेड विद कर्टन्स अराउंड इट क्लोज्ड, बोलता है कि वो जो बेड है, मतलब वो जो रूम है वहां पे, उस रूम के सेंटर में एक बेड है, ओल्ड टाइप का बेड है, और वो बेड जो है क्लोज है किसे, कर्टन्स। कर्टन्स क्या होते हैं, पर्दे, पर्दे कौन से, जो हम पर्दे लगाते हैं ना विंडो पे या डोर पे, वो पर्दे, उन पर्दों से जो है उस बेड को क्लोज किया गया है, और वो कहाँ पे है वो बेड, वो रूम के बीच में है, सेंटर में है। इन एट लेफ्ट सेंटर अ डोर लीडिंग टू अ पैसेज, लेफ्ट सेंटर में, उस रूम के लेफ्ट सेंटर में, आप इमेजिन कीजिए इस चीज़ को, इमेजिन मतलब आप माइंड पिक्चर बनाइए इसको, ठीक है, ये प्ले परफॉर्म हो रहा है, आप अपने देखिए जैसे आप प्ले देख रहे हैं, अपने माइंड में बनाइए इस पिक्चर को। लेफ्ट में क्या है, एक दरवाजा है लेफ्ट सेंटर में, वो दरवाजा जाता है दूसरे कमरे की तरफ। एट लेफ्ट अनदर डोर लीडिंग टू अ स्टोर कपबोर्ड, और दूसरे लेफ्ट साइड में क्या था, एक स्टोर था, क्या है, एक स्टोर है। नेक्स्ट टू इट अ चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, और दूसरी तरफ क्या है, ड्रावर्स हैं, ड्रावर्स क्या होते हैं, टेबल के नीचे होता है ना ड्रावर, ड्रावर होते हैं वो, ड्रावर है वहां पे। एट बैक राइट सेंटर अ विंडो, उस रूम के बैक साइड क्या है, एक विंडो है। एट राइट अनदर डोर लीडिंग टू अनदर स्टोर कपबोर्ड, और राइट साइड जो है दूसरा दरवाजा है, दूसरा डोर है, वो दूसरे स्टोर की तरफ जा रहा है, दूसरे स्टोर में अगर जाना होगा उस दरवाजे की तरफ, उस दरवाजे से हम जा सकते हैं, मतलब ये पिक्चर बताई है उस रूम की, उस सिचुएशन की जहाँ सीन स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट टू इट अ फायर प्लेस विद मेंटल पीस, और दूसरी साइड क्या था, दूसरी साइड है उस रूम के फायर प्लेस, फायर प्लेस मतलब चूल्हा, ठीक है, जिसमें आग जलाते हैं, चूल्हा फायर प्लेस बोलते हैं उसको, तो वहां पे है चूल्हा भी है वहां पे, ठीक है। और अ टेबल एंड चेयर, अ फ्यू कॉमन ऑर्नामेंट्स ऑन द चिमनी पीस, और वहां पे क्या क्या है, एक चेयर भी है, टेबल भी है, कुछ चीजें हैं ऑर्नामेंट्स, मतलब कुछ चीजें हैं वहां पे चिमनी पीस, वहां पे उस मतलब जहाँ पे वो जो चिमनी है, चिमनी मतलब क्या होती है, बुखारी, वहां पे जो है सब चीजें हैं मतलब उस रूम में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा उसका दिया है, उस रूम का स्ट्रक्चर, जहाँ पे जो है कौन रहता है, कॉक्स एंड बॉक्स वहां पे रहते हैं, एक रूम जहाँ पे सीन स्टार्ट होता है, ठीक है, ये दो क्या है, डोर है, ये विंडो है, ये बेड है, ठीक है, ये कर्टन्स हैं, ठीक है, तो ये आपको जो है माइंड में बना लेना है इसका स्ट्रक्चर। तो अब हम स्टार्ट कर नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉक्स ड्रेस्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ हिज कोट, कॉक्स जो है
वो ड्रेस किया, क्या लगाया उसने, कोट लगाया, अलग तरीके का कोट लगाया है, इज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन अ स्मॉल लुकिंग ग्लास, और अपनी तरफ देख रहा है थोड़े ग्लास, ग्लास में मतलब शीशे में अपने आप को देख रहा है, अपने आप को देख रहा है कौन, कॉक्स, विच इज इन हिज हैंड, जो ग्लास, जो मिरर, उस मिरर हम बात बोलेंगे, मिरर उसके हाथ में है, उसमें अपने आप को मतलब शीशा देख रहा है वो, ठीक, उसने कोट लगाया, शीशा देख रहा है, सुबह सीन स्टार्ट होता है। कॉक्स, कॉक्स क्या बोलता है, आई हैव हाफ अ माइंड टू रजिस्टर एन ओथ दैट आई विल नेवर हैव माई हेयर कट अगेन। कॉक्स क्या बोलता है, बोलता है कि मैं अब कसम खाता हूँ, ओथ मतलब कसम, मैं एक कसम को रजिस्टर करता हूँ, माइंड में कसम खाता हूँ, मैं कभी जो है हेयर कट नहीं कराऊंगा। कौन बोलता है, कॉक्स, मतलब बोलता है वहां पे, रूम में है। हिज हेयर इज वेरी शॉर्ट, उसके बाल बहुत छोटे हैं। आई लुक एज इफ आई हैड जस्ट बीन क्रॉप्ड फॉर द मिलिशिया। तो बोलता है, अपने आप को ही बोलता है कि मैं दिख रहा हूँ जैसे मैंने मतलब मेरे को क्रॉप किया गया है मिलिशिया गैम के लिए, मिलिशिया गैम के लिए जैसे बंदों को बाल काटे जाते हैं इसी तरह मेरे को किया गया है। एंड आई वॉज पर्टिकुलरली इम्फेटिक इन माई इंस्ट्रक्शंस टू द हेयर ड्रेसर ओनली टू कट द एंड्स ऑफ। और बोलता है कि मैंने तो बार्बर को बोला था, हेयर ड्रेसर जिसको मतलब जिसने मेरे बाल काटने थे उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, पर्टिकुलरली मतलब खास करके, इम्फेटिक मतलब जोर से उसको इंस्ट्रक्शन दी, अच्छी तरह से उसको बोला था कि तूने क्या करना है, हाफ एंड्स जो है काटना है, हाफ एंड मतलब साइड से कटिंग करनी है ज़्यादा, जैसे आजकल बॉयज़ करते हैं। किसने बोला, कॉक्स ने, कॉक्स बोल रहा है कि मैंने उसको बोला था ड्रेसर, हेयर ड्रेसर को, ही मस्ट हैव थॉट आई मीन द अदर एंड्स, नेवर माइंड, बोलता है कि मैंने उसको बोला था एंड्स में कटाई करना, मगर उसने और ही कुछ समझ लिया, उसने मेरे बाल काट दिए। आई शांट, शांट मतलब शैल नॉट मीट एनी बडी टू केयर अबाउट सो अर्ली। बोलता है चलो ठीक है अब क्या करूँ, नेवर माइंड मतलब कोई टेंशन, कोई बात नहीं, अब कटिंग कर ली उसने, बाल काट लिए, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा जो मुझ पे हंसे, अब मेरे बालों पे हंसे। 8 o'clock आई डिक्लेयर आई हैवंट अ मोमेंट टू लूज। बोलता है 8 बजे हैं इस वक्त और मुझे अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। फेट हैज प्लेस्ड मी विद द मोस्ट पंक्चुअल पर्टिकुलर एंड प्रेम्पटरी ऑफ हैटर्स एंड आई मस्ट फुलफिल माई डेस्टिनी। बोलता है कि किस्मत ने मुझे जो है क्या बनाया है, एक पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब टाइम पे पंक्चुअल होना, एक पंक्चुअल बनाया है, पर्टिकुलर मतलब खास बनाया है, प्रिम्पटरी मतलब पॉजिटिव बनाया है ऑफ हैटर्स। बोलता है मैं जो है हैटर्स में से एक क्या हूँ, पंक्चुअल हूँ और पर्टिक खास हूँ, अपने काम पे बहुत पंक्चुअल हूँ और पॉजिटिव हूँ उन हैटर्स में से, मेरी किस्मत ने मुझे अच्छा बनाया है। एंड आई मस्ट फुलफिल माई डेस्टनी, और मुझे अपनी किस्मत, डेस्टनी मतलब किस्मत को पूरा करना चाहिए। नॉक एट डोर, तब तक दरवाजे पे नॉक हो जाता है, वो बोल ही रहा है अपने आप को, तब तक दरवाजे पे क्या होता है, नॉक होता है। ओपन नॉक्स, हु एवर नॉक्स, बोलता है चलो ओपन करता है, कौन नॉक करता है, देखता हूँ मैं कौन नॉक करता है, कौन बोल रहा है, कॉक्स बोल रहा है अपने रूम से। तो अब वो ओपन करता है, एंटर मिसिज बाउंसर, तब तक मिसिज बाउंसर जो है वहाँ पे एंटर हो जाती है, बोलती है आ जाओ मिसिज बाउंसर। तब मिसेस बाउंसर बोलती है, मिसेस बाउंसर कौन थी, वो मालिक उस रूम की, उस घर की मालिक, जहाँ पे मतलब वो रहता है, कौन, कॉक्स रहता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर कॉक्स, आई होप यू स्लेप्ट कंफर्टेबली। तो यहाँ पे सुबह सुबह आके गुड मॉर्निंग उसको बोल देती है, किसको, मिस्टर कॉक्स को गुड मॉर्निंग बोलती है, बोलती है मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से नींद करी होगी, नींद करी होगी, ठीक है। कॉक्स बोलता है, प्ले चल रहा है, बातें हो रही हैं, कॉक्स बोल रहा है आई कांट से आई डिड मिसिज बाउंसर, मिसिज बी मतलब मिसिज बाउंसर, आई शुड फील ओबलीज टू यू इफ यू कुड अकोमोडेट मी विद अ मोर प्रोटुबरेंट बोल्स्टर मिसिज बाउंसर। तो बोलता है ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छी तरह किया होगा, अच्छी तरह इन्जॉय किया या कम्फर्टेबली सोया, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ओबलीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आप मुझे एक क्या देंगे, बोल्स्टर देंगे, बोल्स्टर मतलब पिल्लो, पिल्लो मतलब तकिया देंगे अच्छा सा, ठीक है, एक अच्छा सा तकिया देंगे मतलब जिसमें मैं जो मुझे चाहिए। द वन आई हैव सीम्स टू मी टू हैव, बोलता है जो मेरे पास है तकिया ओरिजिनली मैं, वो लगता है, क्या लगता है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो पार्ट आएगा वो ज़रूर देखना आप, उस पार्ट में हम पूरा डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जितने भी पार्ट आएंगे इस के तो आप ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा इस प्ले को पढ़ने में, इतना मज़ा क्लास में भी नहीं आएगा जितना यहाँ पर आएगा। और मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि ग्रामर पार्ट अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और देखना आप
पढ़ाने का तरीका क्या होता है और कैसे आपको समझ आएगी। अगर बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल बेसिक ग्रामर भी नहीं आता, तो वो भी आपको समझ आएगा। ग्रामर अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, लगभग टू टू थ्री मंथ का कोर्स होगा वो, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए 8492802489 पे, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू द कोर्स, 12th क्लास या 11th क्लास, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा व्हाट्सएप पे भी। और जब भी आप व्हाट्सएप करें तो अपना नाम और प्लेस लिखें इंट्रोडक्शन, जब भी नाम और प्लेस साथ में लिखें जब भी आप व्हाट्सएप करें। थैंक यू।